सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक खुलते पंत से पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हंसते रहना। हम सभी के माता पिता हमसे खुश रहने के लिए कहते हैं, हंसते रहने के लिए कहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा हंसते, मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें। उसी प्रकार प्रकृति भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। प्रकृति की हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। फूलों से हम खिलना सीख सकते हैं, नदियों से हम बहना सीख सकते हैं, भौरों से खिलखिलाना सीख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं प्रकृति में जो हमें बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाती हैं। चलिए तो इस पाठ की तरफ कुछ बातें की जाए। कवि हम बच्चों से हंसते रहने के लिए कहते हैं। उनके हंसने से सारे घर में खुशियां फैल जाती हैं। बच्चों हंसते रहना तुम, खुशियां खूब लुटाना तुम। कवि कहते हैं कि बच्चों अगर आप हंसोगे तो आप हर जगह खुशियां फैलाओगे, इसलिए हमेशा हंसते रहो। देखो फूलों का खिलना, देखो नदियों का बहना। कवि बच्चों से कहते हैं कि फूल खिलते हुए कितने सुंदर लगते हैं, जब नदियां बहती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं। तो कवि बच्चों को ये कहते हैं कि आप फूलों का खिलना देखो, नदियों का बहना देखो। झरनों जैसे झरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। झरने कैसे कलकल आवाज में करते हुए बहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। उसी प्रकार कभी भी बच्चों को झरनों की तरह खिलखिलाना और आवाज करने के लिए बोलते हैं, बच्चों हंसते रहना तुम, ताकि बच्चे हमेशा हंसते रहें। मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। मिश्री एक मीठा सा पदार्थ होता है जो कि स्वाद में बहुत मिठास भरा हुआ होता है। तो उसी मिठास को कवि कहते हैं कि अपनी वाणी में, अपनी बोली में भी भरो। आप जो भी बोलो बहुत मीठा हो, कभी गलत बात मत करो। पंछी सा गाते डोलो, पंछी कैसे चीची चीची करते हुए घूमते हैं। कवि बच्चों से भी कहते हैं कि हमेशा खिलखिलाते और मुस्कुराते और पंछियों की तरह से गाते बोलते खिलखिलाते हुए चलना चाहिए। गीतों में रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। कवि कहते हैं कि आपकी आप अपनी बातों से हर गीत में एक बहुत मधुर मिठास भर देना। मिश्री सा मीठा हो जाना चाहिए आपका बोलना। तो इसलिए बच्चों हंसते रहना तुम। सूरज सा चम चम चमको, चंदा सा दम दम दमको। सूरज कवि से कहते हैं कि आप सूरज की तरह चमकते रहो। चमकते रहने से यहाँ पर तात्पर्य है कि आप इतना अच्छे काम करो कि आपके अच्छे कामों की रोशनी दूर दूर तक जाए। सूरज सा चमचम चमको, चंदा सा दम दम दमको। चांद जो है वो रात में हमें शीतलता देता है। तो चांद हमारी बातें, बच्चों की बातें ऐसी होनी चाहिए कि वो मिठास भरते हर किसी में और शीतलता प्रदान करे। फूलों सा महकना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। फूलों सा महकना तुम से तात्पर्य है कि फूल जब खुशबू देते हैं तो वो सिर्फ फूल के आसपास नहीं रहते, वो दूर दूर तक फैलने लगते हैं। तो कवि बच्चों को अच्छा बनने के लिए कहते हैं ताकि वो इतने अच्छे बनाए कि उनकी जो महक है वो सिर्फ फूल के पास तक ही ना रहे, बच्चे के पास तक ही ना रहे, बल्कि बहुत दूर दूर तक जाए कि वो बच्चा बहुत अच्छा है। इसलिए बच्चों हंसते रहना तुम। आप लोगों को आशा करती हूँ ये कविता पसंद आई होगी और आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुना होगा। धन्यवाद।